आ रही हूँ। हाँ बस वही बैठो। हाँ ठीक है बॉस। बाय 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 बाय। अमन अमन, अरे आप तैयार नहीं हुए, ऑफिस नहीं जाना क्या? क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों आ गई? वो आज बैंक हॉलीडे है ना? हाँ मैं भूल गई थी। क्यों, तुम कहीं जाने वाली हो क्या? नहीं तो जा रहे हो? हाँ वो बॉस का फोन आया, ऑफिस में कुछ काम है इसलिए बुलाया। आप जा रहे हैं और मैं सोच रही थी कि हम पूरा दिन साथ में बताएंगे। अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, शाम में चलते हैं ठीक है? चलो मैं रेडी हो जाता हूँ। हाँ आ रही हूँ ना, तुम वहीं पे वेट करो, मैं अभी पहुंच रही हूँ। अरे और कितना देर रुके हम, हैं? अरे आधा घंटा पहले हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, समझे ना? अरे जल्दी आओ भाई, जाना भी हमें। दिखता नहीं है क्या? गेट खोलो। दिखता नहीं है तुम्हें? ड्यूटी ऑफ हो गई है हमारी। ज्यादा बोलो ना तो हमेशा की छुट्टी कर दूंगी, समझे? ड्यूटी खत्म हो गई है ना, कंप्लेन करूंगी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जाओ जाओ अभी करो कंप्लेन, समझी ना? डरते नहीं अपन किसी से। एक मिनट मैडम, मैं खोलता हूँ गेट। मैम अर्जेंट था। लाइसेंस निकालो, चलो। हाँ मैम दूसरे पर्स में रह गया। पवार ये रहे। कहाँ जा रहे? फोन पे बात कर रही थी, सीट बेल्ट भी नहीं लगाया, लाइसेंस भी नहीं। बात करो, आती हूँ। अरे क्या मैडम, आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसा करने लगे तो कैसा चलेगा? सर गलती हो गई, मैम भूल गई। ऐसा नहीं होता है मैडम। देखिए मैडम आप जाइए, बसा गाड़ी चल निकल, बस। वो तू देखना उधर, वो देख वो दोनों से लेने का ले ले। इसको तो समझाना पड़ेगा। ताई कितनी देर लगा दी? हाँ सॉरी, वो आ गए क्या? अभी तक तो नहीं आए लेकिन आएंगे अभी, चलो जल्दी चलो। सामान किधर है? अरे वो तो मैं गाड़ी में भूल आई, ये लीजिए चाबी, आप सामान लेके आइए, मैं ऊपर जाती हूँ। कौन से माले पे? तीसरा माला।
ताई, ताई। ताई, ताई। अच्छा मैं तंग करता है, इधर आ फिर पता चलेगा कौन कितना तंग करता है। मत आ इधर। हेलो पुलिस स्टेशन। सर ऊपर तीसरे माले पर। आइए सर। 28 से 30 साल की लेडी है सर, गला रेत कर मारा गया है और ये यहाँ का चौकीदार है, इसी ने कॉल करके हमें बुलाया था। हो नहीं है? मुझे नहीं पता साहब। अरे इधर आ। बिल्डिंग में मर्डर होता है या कौन आता जाता है पता नहीं तेरे को? साहब यहाँ कोई आता जाता नहीं है तो मैं भी यहाँ नहीं रहता, बस सुबह शाम एक चक्कर मार जाता हूँ। ऐसा ही काम करेगा ना, लंबे चक्कर में जाएगा। इसका मोबाइल नंबर लो और लोकेशन ट्रेस करो, तेरा एड्रेस देना। जब तक तहकीकात चल रही है शहर छोड़ के बाहर जाने का नहीं, जाएगा तो ऐसा मारूंगा तेरे को। कटे डिटेल्स लो। शिरके ये लूटपाट का मामला लगता है, देखो कान से बाली खींची गई है, जख्म है, गले पर भी निशान है और ये हाथ से भी चूड़ियां खींच के निकाली गई। कपड़े से तो लगता है ये अच्छे घर की है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या कर रही थी? कोई आइडेंटिफिकेशन मिला? नहीं सर कोई आईडी नहीं मिला। नीचे जो गाड़ी खड़ी है शायद इसी की हो सकती है, उसके डिटेल्स आरडीओ को भेज दो और आसपास पूछताछ करो किसी ने इसको गाड़ी से आते हुए देखा था क्या। और धोखा मजबूत से मजबूत रिश्ते को खोखला बना देता है। एक साल पहले मेरी पोस्टिंग थाना डिस्ट्रिक्ट के मीरा रोड पुलिस स्टेशन में थी। उस वक्त मेरे पास एक केस आया, उस केस में पता नहीं चल रहा था कि सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। सुहासिनी अपने घर से सज संवर कर निकली थी लेकिन रास्ते में किसी ने उसको मार दिया। कौन था उसके मौत के पीछे, कोई उसका अपना या कोई बाहर वाला? ये सब कुछ वैसे ही था जैसे हमें नजर आ रहा था या उसके मौत के पीछे का सच कुछ और था? सर आसपास पूछताछ की है लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं है, लेकिन वो आरटीओ से गाड़ी की डिटेल्स आ गई है, लड़की का नाम सुहासिनी शर्मा है। सुहासिनी, एक काम करो जगह की अच्छी तरह से छानबीन करो, फॉरेंसिक वाले को बुलाओ और जगह को स्कैन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, उसके फैमिली को बुलाओ बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए। स्वास्थ्य सुहासिनी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या करने गई थी, वहां उसकी हमें बॉडी मिली? मुझे नहीं पता सर, मैं तो अपने ऑफिस गया था। तुम कहाँ काम करते हो? सर नेशनल बैंक में। पुलिस वाले छुट्टी के दिन काम करते हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बैंक वाला बैंक हॉलीडे के दिन काम करता है? सर वो एक्चुअली मेरे बॉस का फोन आया था, मुझे कुछ लोन रिलेटेड सेटलमेंट्स के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। उसका किसी के साथ झगड़ा दुश्मनी? सर बेसिकली हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, अभी लास्ट ईयर मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ, हम यहाँ ज्यादा किसी को जानते नहीं तो दुश्मनी होने का तो सवाल ही नहीं उठता सर। फिलहाल तो ये केस लूटपाट के लिए की गई हत्या का लग रहा है, लेकिन आजकल किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते है ना, दोस्त कब दुश्मन बन जाए कुछ बोल नहीं सकते। आप जा सकते हो, जरूरत पड़े तो फिर से बुलाऊंगा। सर जिस किसी ने भी मेरी सुहासिनी को मारा है ना सर उसे सजा मिलनी चाहिए। जाइए। क्या लगता है सर, पहले लूटपाट फिर खून, या तो पहले खून और खून छुपाने के लिए लूटपाट की शक्ल? लेकिन सवाल तो यह है कि सुनसान जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में
सुहासिनी क्या करने गई थी? एक काम करो शिरके, सुहासिनी जिस बिल्डिंग में रहती है वहां पता करो उसको कोई जानता है क्या, शायद वहां से पता चले कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या करने गई थी, और जहां उसका मर्डर हुआ वहां पता करो कि इधर सीसीटीवी कैमरा है क्या। ठीक है सर। कैसी लग रही हूं मैं? अरे वाह, तू तो एकदम रानी लग रही है। रानी नहीं रे, ये तो मेरी राजकुमारी है, रानी तो बड़ी होती है। तो मैं भी तो बड़ी हूँ। तू तो है सबकी दादी अम्मा। तू यहाँ क्यों आया है? अरे मेरे बच्चे हैं, मिलने को नहीं आ सकता क्या? ए रेगो, ये तुम दोनों के वास्ते लाया, लो लो। तेरे पास दारू के अलावा किसके लिए पैसा है क्या? तू मेरे को पैसा देती तो कोई एहसान नहीं करती है? तूने अगर मुझे पैसा देना बंद किया ना तो मैं ये करुणा को उठा के लेके जाएगा। तू हाथ तो लगा के दिखा मेरी बहन को। बाप को हाथ दिखा दो। अरे तू जा ना यहाँ से। मुझे भी तुम लोगों का थोबड़ा देखने का कोई शौक नहीं है। देख लूंगा तुम लोगों को। मैडम मुझे सुहासिनी के बारे में कुछ नहीं पता। क्या नाम है तुम्हारा? सब शंभू। शंभू, शंभू शंकर भगवान का नाम है, पता है ना? कब से काम करते हो यहाँ? सब अभी एक साल ही हुआ है। सुहासिनी को जानते हो? सुहासिनी? हाँ सब। उसे कभी देखा है आते जाते हुए? उस दिन वो अपनी गाड़ी से गई, मैंने ही ये गेट उनके लिए खोला था। कौन था साथ में? नहीं सब, वो अकेली ही थी। ठीक है जाओ। फिर के सर, वो सुहासिनी का सीडीआर निकालो और एक गेट से लेके तो ये बिल्डिंग तक का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। सर ये सुहासिनी के कॉल डिटेल्स। सर कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है और कोई बॉयफ्रेंड का एंगल भी सामने नहीं आया, लेकिन सर उसकी मौत के पहले उसको पीसीओ से कॉल आया था। हाँ आ रही हूँ ना। और सर ये पीसीओ जहाँ में उसकी बॉडी मिली थी उस एरिया के थोड़े आगे है, मैंने वहाँ के ऑनर से भी बात की, उसका कहना है कि उसे याद नहीं कि ये कॉल किसने किए थे। सिरके एक काम। सर सुहासिनी की पीएम रिपोर्ट देखो। किसका फोन? सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है, गला रेत कर, और मौत 12 बजे से 3 बजे के बीच हुई है। एक काम करो, इस एरिया में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स एक्टिव है सबको उठा के ला, और ज्वेलरी शॉप को इन्फॉर्म कर दो अगर कोई चोरी का माल बेचने आया तो पहले हमें कॉल करो। ठीक है सर। शांतिनगर एरिया में एक दुकान में चोरी हो गई है। पवार तो बगैर क्या चोरी से मैटर है? सर हाँ बोला। सर हमारे दुकान में एक औरत चोरी कर रही थी, हमने उसे यहाँ पकड़ के रखा, प्लीज जल्दी आ जाइए। औरत? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। शांति एक बकरी कटने के लिए तैयार है। नहीं मैडम जी, मैंने चोरी नहीं की, ये दो फ्रॉक मैंने अपने बेटे के लिए खरीदी थी, अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है, पता नहीं ये तीसरी फ्रॉक बीच में कहाँ से आ गई, शायद गलती से आई होगी, चाहे तो आप इसके भी पैसे ले लीजिए। जा जा, चोरी करते पकड़े जाते हो तो पैसा दिखाते हो। देखिए गलती किसकी है और किसकी नहीं बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये बात तो तय है कि चोरी हुई है। मैडम जी सुनिए तो, मैडम जी मैंने कुछ नहीं किया है मैडम जी। अब सच बताओ क्या किया तुमने? मैं सच कह रही हूँ मैडम जी, मैंने चोरी नहीं की, आप चाहे तो मेरे पति से बात कर लीजिए, मैं वैसी औरत नहीं हूँ। अब इतनी छोटी सी बात के लिए तेरे पति को हवालात में बुलाकर क्यों क्यों बदनामी करवाना चाहती है? एक बात बता, पैसे हैं तेरे पास? 2500 तो एक काम कर, मुझे 5000 रुपये दे दे, तेरा सारा काम निपटा देते। एटीएम से निकाल सकती हूँ पर एटीएम कार्ड घर पे। तेरे पास आईडी है अपना? हाँ। मुझे दे। काम कर, अपने घर जा, एटीएम से पैसे निकाल, ये ले इस एड्रेस पर दे देना पैसे, और बाद में मुझसे आईडी लेकर जाना, और याद रख
अगर भागने की कोशिश की तो तेरे मोहल्ले से उठाकर तुझे खींच कर हवालात ले जाऊंगी, समझी? चल निकल अब, जा। भेजिए, मैं पैसे ले लेना। मैडम ने कहा था आपको पैसे देने के लिए। सबके सब मोटी चमड़ी के। देखो सच सच बताओ नहीं तो बहुत मार खाओगे। साहब हमने कुछ नहीं किया है, साहब हमने कुछ नहीं किया है। ये ऐसा नहीं मानेंगे, मारो इनको। अरे नहीं यार, एक साल क्या और तीन साल के बाद प्रमोशन। सर हाँ, सुहासिनी का सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज लगा। पहुंच कर मेरा शक सही निकला शेर के। देखो कितने गहने पहने, हाथ में दो थैली भी है जो हमें मर्डर स्पॉट पे नहीं मिली। इसका मतलब ये खून लूटपाट के इरादे से किया है। फिर हो सकता है कि कोई इसके ऊपर नजर रखा और मौका मिलता ही इसे मार दिया और सारे गहने लेकर चला गया। लेकिन अभी भी सवाल ये है शेर के कि सुहासिनी सुनसान जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या कर रही थी। प्ले करो। पॉज करो शिरके। ये दूसरा गार्ड जो है ना, सस्पिशियस लग रहा है, जरा इसके बारे में पता करो। ठीक है सर। दे रही है पैसे तो आकर आईडी लेकर जा। मैडम यहाँ पे किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की। क्या तू 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 एक काम कर, पहले तू यहाँ सिल्वर पार्क में, बाद में बात करते हैं। ओके मैडम। शंभू कैसे हो? सब ठीक हूँ। दूसरे वॉचमैन का क्या नाम है रे? सब उसका नाम पंकज है और वो बिहार से। उसका फोन बंद क्यों है? कहाँ है वो? नाइट ड्यूटी करता है ना, शायद सो गया होगा। उस सुहासिनी मैडम के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या उसका? झगड़ा? हाँ साहब, एक बार उसका झगड़ा हुआ था उनके साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे घर के अंदर आने की? मैंने पूछा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो घर के अंदर आने की? मैडम घंटी बजाई तो थी, आप आए ही नहीं। दरवाजा खुला था तो हम लेटर देने के लिए अंदर आ गए। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हाँ मैडम, मैडम एक मिनट, क्या हुआ मुझे बताइए। ये अभी नया है ना मैडम, मैं इसे समझाता हूँ, प्लीज निकालो उसको यहाँ से। तभी नहीं है सब भी। सवाल तू सब सुहासिनी मैडम ने उसकी सोसाइटी में कंप्लेंट तो नहीं की, लेकिन बहुत गुस्सा रहते थे। जाओ तुम। नमस्ते शिव जी। सब पंकज को उठा के लाओ। चल भाई चल निकल। मैंने उसे पैसे दिए और वहां से बाहर निकल के रोड पे चलने लगी तो अचानक किसी ने मेरे ऊपर कपड़ा डाल दिया और मेरे साथ। तू मुझे भी बता, तूने उसका चेहरा देखा? देखा नहीं। क्या करा के आ गई, कहाँ गई थी तू? तुझे पता है मैंने उस आदमी को फोन किया था? देख वो आदमी बोल रहा है कि वो तो तुझे मिला नहीं, उसके पास पैसे है नहीं। कहाँ चली गई थी तू? हाँ ये ले तेरा आईडी ले और तू जा घर जा, जा।
पुलिस में कंप्लेंट करवाना चाहती हूँ। पागल हो गई तू? तूने मुझे अभी बोला ना कि तेरा मुंह ढका हुआ था, तुझे दिखाई नहीं वो इंसान, तो तू पुलिस को जाके क्या बोलेगी? हाँ, और मुझे क्या पता तू कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी? देख, औरत हूँ इसलिए बता रही हूँ, पति घर से निकाल देगा, घर संतर वाली औरत है ना, क्यों पड़ रही है झमेले में? चुपचाप घर चली जा, खुल जा, इज्जत खराब हो जाएगी, जा जा। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसी आए? हाँ मैं ठीक हूँ। सुबह में तेरे पास टाइम है क्या? एक औरत को ना बाई चाहिए। नहीं रे, घर पे बहुत सारा काम है, दो दो बच्चे हैं मेरे घर में। अरे कर ले ना, बहुत परेशान है, दो बार एबॉर्शन हो चुका है, डॉक्टर के चक्कर काटते रहती है। चाय पिएगा? अरे पी, चार चम्मच चक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। नहीं सर। पी ले, सर को ना सुनना पसंद नहीं। पिएगा? औरतों को कपड़े बदलते हुए छुप छुप के देखने की बहुत आदत है ना तेरे को? माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, उस दिन मैं लेटर देने मैडम के घर गया था साहब। दरवाजा खुला था साहब, मैं अंदर चला गया, अंदर मैडम कपड़े बदल रही थी, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया साहब, जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। सुहासिनी ने तेरे को गेट ना खोलने की वजह से डांट लगाई तो तू उसके पीछे गया? नहीं साहब, मैं उस दिन उनके पीछे नहीं गया था, मैं सीधा अपने घर गया था साहब। तेरा मोबाइल बंद क्यों था? वो तो इसलिए बंद था कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी साहब, और उस दिन मैं मैडम के पीछे नहीं गया था बल्कि उनका पति उनके पीछे गया था साहब, मैंने खुद देखा था। तू झूठ बोल रहा है? कसम से मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने खुद देखा था कि उनका पति उनके पीछे गया था, बल्कि कुछ दिन पहले तो उनका और उनके पति का बहुत झगड़ा भी हुआ था साहब। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा बाहर क्या चल रहा है, कौन है वो? अरे यार कोई नहीं है, कोई है तो बस तुम्हारे दिमाग के अंदर साहब। वो क्या है? तो लाइट बिल। हाँ भैया, तो साहब सच में मैंने उनके और उनके पति का झगड़ा देखा था साहब। सच क्या है झूठ क्या हम पता कर लेंगे, तेरे को कपड़े बदलते हुए औरतों को देखने का बहुत शौक है ना शिरके, इसकी कपड़े उतार कर खातिरदारी करो, पर याद रख शहर छोड़ के बाहर जाना नहीं तो इतना मारूंगा तेरे को। हाँ माफ कर दो साहब। ए चल माफ कर दो। शिरके ये अमन हमसे झूठ क्यों बोल रहा था कि उस दिन ऑफिस गया था? मैं तो अपने ऑफिस गया था। उसके कॉल डिटेल्स चेक करो। ठीक है सर। सुहासिनी के केस में हम उलझे हुए थे, ऐसे में और एक अपराध हुआ था, उसके बारे में हमारे पास डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हेतल बहुत परेशान थी, उसके साथ रेप हुआ है ये उसके पति को बता नहीं पा रही थी। हेतल ही क्या, समाज में ऐसी बहुत सारे महिलाएं हैं, औरतें हैं जिनके साथ ऐसा संगीन अपराध हुआ है लेकिन उन्होंने किसी से बताया नहीं, यहां तक कि उन्होंने पुलिस में केस भी रजिस्टर नहीं किया। हेतल की केस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसने उसके साथ रेप किया उसका चेहरा उसने नहीं देखा था, तो क्या सच में पवार ने उसके साथ रेप किया था या इसके पीछे कोई और था? अरे किती वेळा सांगायचं तुला मी काय नाही केलं म्हणून? पण मला माहिती आहे तूने रेप किया। उसने बोला और तूने मान लिया। कोई और ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? अरे तूने ही तो कहा था वो आएगी पैसा लेके, वो आई नहीं तो मैं सो गया था, उल्टा तुझे उल्टी कहानी सुना के भाग गई वो साली। तू झूठ बोल रहा है, मैंने सोचा थोड़ा ज्यादा पैसा कमाएंगे इसलिए नकली कांस्टेबलों की ये सब कर रही थी। तेरी बीवी हूँ मैं, और तूने किसी औरत के साथ ऐसा?
तुझे जो समझना है ना वो समझ। मैंने कुछ नहीं किया है, तेरी कसम। ठीक नहीं है, सर में थोड़ा सा दर्द है। क्या हुआ, बाम लगा दूं क्या? नहीं कुछ नहीं। सो जा। बहुत दुखी हो, बीवी मर गई। दुख तो होगा ना सर, जब पुलिस को दिखा रहे हो तुम दुखी हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? उस दिन तो तुमने बताया था कि तुम ऑफिस गए थे। हाँ जी सर। लेकिन तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड तो दिखा था कि तुम्हारा मोबाइल घर पे था। सर मैं उस दिन बैंक ही गया था, बस मेरा फोन घर पर छूट गया था। उसको चाय भी ऑफर नहीं कर सकता मैं सिर के। बिना चाय के तेरा दिमाग इतना झूठ के लिए तेज चल रहा है कि मेरी चार चम्मच शक्कर वाली चाय पिएगा तो तेरा दिमाग रॉकेट बन जाएगा। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा तो फिर वो गार्ड झूठ बोल रहा होगा कि तू उस दिन सुहासिनी के पीछे गया था, या तो फिर सीसीटीवी फुटेज उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है तू सुहासिनी की गाड़ी के पीछे तेरी बाइक लेके गया था। देख तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा था ना, सुमन, सुमन नाम की लड़की के साथ। हाँ सिर के? नहीं सर, सर वो तो मेरे ऑफिस में काम करती है मेरे साथ। सर मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, बस काम के सिलसिले में उससे बातचीत होती है और कुछ नहीं सर। हाँ काम, मेरे घर वाले ना, मेरे मम्मी डैडी, वो बोलते थे तू बैंक में काम कर क्योंकि पुलिस की नौकरी बहुत टेंशन वाली रहती है, टाइम नहीं रहता है, 24 घंटा काम करना पड़ता है, रिस्क है, पैसा बहुत सब कुछ। लेकिन ये बैंक का भी काम ऐसा ही है। हाँ कितना काम है यार, अरे बाप रे, 24 घंटा काम, दिन रात काम, दो दो बजे तक बातें करना पड़ता है ना। हाँ ये देख कॉल डिटेल्स। देख अमन सच बोल दे बच जाएगा, वरना तेरी किस्मत तेरे हाथ में ही है। सर हाँ सर, सर मेरा सुमन के साथ, लेकिन सर सर 6 महीने पहले सब खत्म हो गया था सर। तू सुहासिनी के पीछे क्यों गया था? सर सर मुझे उसकी हरकतों पर शक हो रहा था सर। वो किसी से छुप छुप कर फोन पर बात कर रही थी, किसी से छुप छुप कर मिल रही थी सर, इसीलिए मैं उस दिन उसके पीछे गया था। उसके पीछे गया, उसको मार दिया, उसके गहने लूट लिए और इस मर्डर को तूने लूटपाट की शक्ल दी। नहीं सर मैं उसके पीछे गया था और जैसे ही मैं ट्रैफिक से बाहर निकला तो देखा कि सुहासिनी वहां से निकल गई थी, फिर मैं अपने घर वापस चला गया सर। ये झूठ बोल रहा है, इसे नहीं मारा है, इसके ऐसी खातिरदारी करो जब तक ये सच नहीं बोलता। लेके जाओ इसको। सर मैं सच कह रहा हूँ, सर प्लीज ट्रस्ट मी, सर मैं सच कह रहा हूँ सर। क्या लगता है सर सच बोल रहा है? शिरके इसका अफेयर चल रहा था और इसके वजह से इसका और सुहासिनी का झगड़ा हो रहा था। मैं बेवकूफ हूँ, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा बाहर क्या चल रहा है। उस दिन ये सुहासिनी के पीछे गया और इसने सुहासिनी को मार दिया, लेकिन अभी भी सवाल ये है कि सुनसान जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सुहासिनी क्या करने गई थी, उसके हाथ में जो थैली थी वो कहाँ गई और उसमें क्या था। सर थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि अमन सच बोल रहा, मतलब सुहासिनी का वाकई किसी के साथ अफेयर चल रहा और उसे वो कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पीसीओ से कॉल भी आते थे। मुझे नहीं लगता शिरके, क्योंकि सुहासिनी के सीडीआर रिपोर्ट से भी ये पता नहीं चलता कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन मर्डर वाले दिन उसी एरिया के पीसीओ से उसको फोन आ रहे थे। हाँ आ रही हूँ ना। और उसको मिलने के लिए वो गई थी, लेकिन कौन था वो जिससे वो मिलने गई थी? फिलहाल तो एक काम करो, सारे सिग्नल्स के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो और इसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके कॉल डिटेल्स निकालो। सर ये उस रोड का सीसीटीवी फुटेज है, अमन आगे के दो सिग्नल पे दिख रहा है लेकिन उसके बाद दिखा नहीं। लेकिन शिरके
उसके सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से वो घर 2 घंटे के बाद वापस आया था। तो फिर वो 2 घंटे क्या कर रहा था, कहाँ था? उसके गर्लफ्रेंड का कुछ पता चला? नहीं सर, सुमन के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन उसके फोन की लास्ट लोकेशन दिल्ली की थी, और वो भी 6 महीने पहले की। 6 महीने पहले की? ऐसे भी तो हो सकता है शिरकी कि 6 महीने पहले उसने नंबर बदला हो लेकिन मोबाइल वही यूज कर रही हो। एक काम करो, उसके IMEI नंबर से पता करो उसका नया नंबर क्या है। ठीक है सर। दादा देखो कितनी सुंदर माला है। ये तो कुछ भी नहीं, मैं तेरे लिए ना इससे मोटी सोने की चेन लेकर आऊंगा और बंगड़ी भी। सच में? और नहीं तो क्या। मेरे साथ गंदा काम किया है, बलात्कार किया है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पापा! अरे मेरा शैतान बच्चा। हेतल एक कप चाय पिला, बहुत थक गया। क्या तो ये सुमन के मोबाइल में एक दूसरा नंबर एक्टिव हुआ है, मुंबई में ही एक्टिव है, और इस नंबर से अमन से बात करती थी। नहीं सर। यस, सुमन जी से बात करनी है। जी बताइए क्या बात है, मैं उसका पति हूं। क्या हमने बुलाई है? सुमन, सुमन सर, आपसे अकेले में बात करनी है। सुहासिनी के पति अमन के साथ आपका अफेयर चल रहा था? जी सर, पर सर मुझे पता नहीं था कि वो मैरिड है, और मुझे जब पता चला तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। पर सर बात क्या है, आप लोग? अमन की पत्नी सुहासिनी का मर्डर हुआ है, आपको पता नहीं? सर पिछले 6 महीने से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई थी। एक्चुअली आई मूव टू दिल्ली, और 2 महीने से मेरे पति यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, और सर मैं उसके कांटेक्ट में भी नहीं हूँ सर। ठीक है, क्या बात है सुमन, पुलिस क्यों आई थी? वो मेरी एक फ्रेंड का मर्डर हो गया है। हाँ बताइए। सर मेरे साथ रेप हुआ है। क्या? नहीं, पहले आप शांत हो जाइए और डिटेल में बताइए हुआ क्या। नहीं मैडम जी, मैंने चोरी नहीं की। पैसे हैं तेरे पास? उस लेडी कांस्टेबल ने मुझे एक जगह जाने को कहा था, और जब मैं वहां गई तो वो मैडम ने कहा था आपको पैसे देने के लिए। आप इतने दिन पुलिस के पास क्यों नहीं आए? हिम्मत नहीं हुई। जब ये बात मैंने अपने पति को बताई तो उन्होंने भी
मुझे ही मारा। चिरकी एक काम करो, इनसे इनके पति का नंबर लो, उसको इधर बुला लो, और वो लेडी कांस्टेबल का भी नंबर लो जिसने उसको घर पे भेजा था, और नंबर से उसका एड्रेस निकालो। नंबर दो इनको। समर जी, बीवी सिर्फ घर के बच्चे संभालने के लिए नहीं होती है, पति पत्नी का रिश्ता सातों जन्मों का होता है, पता है ना आपको? बुरे वक्त में भी एक दूसरे का सहारा होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, आपने इनके पीछे मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। सर, एड्रेस का पता चल गया है और वो फोन नंबर किसी शांति के नाम रजिस्टर्ड है। शांति, चलो। पवार? सर, तुम्हें इधर? तू क्या कर रहा है यहाँ? मेरा घर है सर। ये शांति है ना? हाँ, बीवी है मेरी। खड़े बुला। हाँ सर, यही वो घर था और यही वो औरत थी जिसने मुझे पैसे देने के लिए कहे थे, और मैंने पैसे इन्हीं को दिए थे। कौन से पैसे मैडम? अरे सर, क्या बोल रही है? चुप सारी, चुप, वरना जान से मार दूंगा। सर, वो आदमी भी यही था जिसने मेरे साथ। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर कपड़ा डाला था। इसकी आवाज कैसे भूल सकती हूँ मैं? मैं जानता तक नहीं हूँ सर इसको। ये तुम ही हो ना? हाँ, नकली पुलिस वाली बन के लोगों के साथ ऐसा करते हो। सर, सर मैंने तो दो पैसे के लिए किया था सर, लेकिन मेरे पति ने जो किया वो उसमें मेरी गलती नहीं है सर, मेरी गलती नहीं है। सर, मैंने कुछ नहीं किया, वो औरत फंसा रही है मुझको सर। अच्छा, चल उधर। सर, चल उधर, कर ले। सर, विश्वास करिए। हाँ, तू बहुत, तू विश्वास आदमी, चल बस। पंडित है तू? ये क्या है रे? हाँ, ये क्या है? बिल्ली के नाखून है? हाँ, खबर लो इसकी। निम्बर ने मेरा साथ दिया मुझे। मम्मी, अपना सामान बांध, घर से निकल जा यहाँ से। पापा, आपने मम्मी को क्यों मारा? बेटा, अब तेरी मम्मी गंदी हो गई है, अब हमारे साथ नहीं रह सकती, चल यहाँ से। हेतल ने हिम्मत दिखाई, वो पुलिस के पास आई, उसने केस रजिस्टर की और उसने अपराधी को पकड़वाया भी, लेकिन उसका पति बहुत कमजोर निकला, उसके पति ने उसका साथ देना चाहिए था। या पवार भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने अपराध किया है, लेकिन हमें यकीन था कि हेतल के साथ जो गलत काम किया है वो पवार ने ही किया है। हम इस केस में उलझे हुए थे, साथ ही साथ सुहासिनी के केस को लेकर भी परेशान थे। सर, मैंने अमन के फोन को दोबारा चेक किया सर, उसने अपने मेल्स डिलीट कर दिए थे, उसे रिकवर करवाया, ये कुछ मेल्स मिले हैं, इससे पता चलता है कि अमन सुमन के टच में था और सुमन भी उससे चैट कर रही थी, और ये सब काम वो अपने दूसरे नंबर से कर रही थी। अमन, उस दिन तुम तुम्हारा मोबाइल घर पे छोड़ा है और सुहासिनी का मर्डर करने के लिए निकले, लेकिन ये मोबाइल घर पे छोड़ने का सजेशन तुम सुमन को देना भूल गए, इसलिए मर्डर स्पॉट पे सुमन के दूसरे मोबाइल का लोकेशन मिला। देखो, ये देखो, अब या तो सुहासिनी का मर्डर सुमन ने किया है या तो तुम दोनों ने मिलकर किया। सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूं। बताओ। सर, सर मैं उस दिन इसके साथ था। सर, मैं सुहासिनी को छोड़कर सुमन के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन सुमन को लगता था कि ये मेरी शादी के बीच में आ रही है। सर, इसलिए मैंने गुस्से में शादी कर ली थी, लेकिन मैं अपने पति के साथ खुश नहीं थी और मैं सुहासिनी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। सर, मुझे शक था कि सुहासिनी किसी से मिल रही है, बस यही दिखाने के लिए मैं सुमन को वहां लेकर गया था। वो देखो सुहासिनी की गाड़ी, आज मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि सुहासिनी का अफेयर चालू है।
फिर तो तुम अपने पति को छोड़ के मेरे पास आओगी ना। चलो सोचा कि उससे कहीं ये ना लगे कि मैंने सुहासिनी का मर्डर किया, तो फिर हम दोनों वहां चुप गए। ये लक्ष्मी कौन? हमारी पुरानी मेड। उसका नंबर दो शिरकी। सर उसका नंबर नहीं है मेरे पास। एड्रेस दो। सर वो भी नहीं है। कमाल है, दोनों को लेके जाओ। चल सर, सर प्लीज यकीन कीजिए सर, सर 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 क्या लगता है सर, सच बोल रहे हैं लैला और मजनू? शिरके उस दिन सुहासिनी घर से अकेली निकली थी, लेकिन वहां लक्ष्मी उसके साथ थी। ऐसा हो सकता है कि उस एरिया के पीसीओ से लक्ष्मी उसको बार बार फोन कर रही थी। एक काम करो, उस दिन उस एरिया में और कितने मोबाइल एक्टिवेट थे पता करो। ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि एरिया सुनसान था। ठीक है सर। सर कितनी बार बोला है पीछे से आवाज मत दिया करो। सॉरी सर, वो एक इंपॉर्टेंट बात थी। सर वो उस एरिया में जितने भी नंबर थे मैंने सबको चेक किया, वहाँ दो नंबर एक्टिव थे, एक लक्ष्मी का है और एक ये दूसरा नंबर मिला है। किसका है? सर ये पवार का नंबर है। पवार? अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि रेप मैंने किया था, लेकिन सुहासिनी का खून मैंने नहीं किया है सर। इसको ऐसा तोड़ो ना, ये सच बोलना चाहिए। अरे नहीं सर। ठीक है चलो, लक्ष्मी का क्या चक्कर है वो देखते हैं। करुणा, मैं अच्छे काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, आते समय तेरे लिए सोने की चेन लेकर आऊंगा, ठीक है? ये लक्ष्मी का घर है? हाँ। है तुम्हारी अज्जी घर में? नहीं, अज्जी काम पे गई है। कहाँ काम करती हूँ? एक मिनट, अज्जी लिख के गई है। मुझे आपकी पत्नी से बात करनी है। लेकिन सर काजल तो घर पे नहीं है, बाहर गई। कहाँ गई? पता नहीं, वो कह रही थी उसके किसी फ्रेंड के यहाँ कोई फंक्शन था तो बस वो रेडियो का निकल गई। फोन लगा। किसका फोन है? इनका है। अरे मत उठाओ, अभी वो वापस बुलाएंगे ना, पूजा के बाद फोन उठाना। हाँ रख दो, चलो जल्दी चलो। सर उठा नहीं रही। फिर ये लक्ष्मी और काजल का फोन ट्रेस करो। आइए ताई। चलो ताई। हाँ ऊपर जाना है। चलो चलो ताई। सामान कहाँ है? अरे वो तो कार में रह गया। अरे देवर बच्चे, चाबी दे दो, मैं लेके आती हूँ। हाँ मैं लेके लाएंगी। और मैं? हाँ आप ऊपर जाइए, चौथा माला। हाँ मैं सामान लेके आती हूँ। हाँ जाइए जाइए। काजल कहाँ है? चौथा माला। हाँ पाटिल हिला, अरेस्ट करा। मैं क्या करती सा, ये मेरे पीछे पड़ा था, पैसा दे दे नहीं तो नाथ को उठा के ले जाए। उसे झूठ बोला, सिर्फ लूटने का काम करने गए। सोला सिंगार करके सज धज के नई दुल्हन की तरह पूजा को जाना पड़ता है, फिर सौभाग्य प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति हो जाती है।
सुहासिनी तभी बहुत परेशान थी, उनको लग रहा था उनके सांप का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। पूजा वूजा करके वो सब ठीक करना चाहती थी सांप। मैं पूजा के लिए उन्हें ऊपर ले गई, लेकिन सारे मेरे को कैसे भी पैसा चाहिए था। पैसा किधर से आता? पैसा चाहिए था तो मेहनत करता, और तुम्ही म्हणाला तुमच्या नातीसाठी हे सगळं केलं, इससे तुम्हारा अपराध कम नहीं होता। तुम बराबर की हिस्सेदार हो इसके साथ अपराध में, सड़ो अब जेल में। अगर लक्ष्मी को दिलीप से खतरा था तो उसने पुलिस में आना चाहिए था, उसने उसका साथ दिया और खुद भी अपराधी बन गई। सुहासिनी की जान गई, अगर पुलिस वक्त पे नहीं पहुंचती तो शायद काजल की भी जान जाती। क्या इन दोनों को गुनाह की दस्तक नहीं मिली थी? हम भी जिंदगी में परेशान होकर कहीं गलत कदम उठा लेते हैं और अपराधी का निशाना बन जाते हैं। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।